नमस्ते, मैं नूतन क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी पूजा में पंचामृत बांटने की प्रथा है। क्या आपको पता है कि पंचामृत क्यों बांटा जाता है? क्या आपको पंचामृत का मतलब पता है? पांच पवित्र वस्तु से पंचामृत बनाया जाता है। अब जानते हैं कि पंचामृत बनाने के लिए कौन से पांच वस्तु चाहिए। एक शक्कर, दो घी, तीन शहद, चार दही और पांच दूध। इन पांच वस्तु से पंचामृत बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इसका सेवन करते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जैसे अब हमें जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि पंचामृत शक्कर, घी, दूध, दही और शहद से बनाया जाता है। इसे पीने से सात धातु शरीर में बसते हैं, रक्त, रस, मांस, मीत, मज्जा, शुक्र, अस्थि। इससे हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, रोग प्रतिरोग शक्ति भी बढ़ती है और संक्रमण रोगों से भी बचाया जा सकता है। और इन पांच वस्तु से शरीर में कम ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। आप इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं तो उसकी गुणवत्ता और भी बढ़ा देता है। पंचामृत के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। इससे चेहरे की रंगत भी निखरती है और चेहरे की लाले भी बनी रहती है। पंचामृत हमेशा चांदी के पात्र से ही लेना चाहिए। चांदी के पत्रे में रखा हुआ पंचामृत इतना शुद्ध हो जाता है कि अनेक बीमारियों को भी खत्म करता है। इसमें मिले तुलसी के पत्ते और गुणवत्ता बढ़ा देता है और ऐसा पंचामृत ग्रहण करने से बुद्धि और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। पंचामृत के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और आयुर्वेदिक तरीके से इसे बनाया जाता है। तो पंचामृत का धार्मिक महत्व तो है, साथ में हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे पंचामृत के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।